हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड ये वाला व्लॉग मैं काफ़ी दिन बाद बना रहा हूँ और आज मैं इसलिए व्लॉग कर रहा हूँ बिकॉज आज मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। मैं तुम लोगों को बताऊँ, मैं काफ़ी दिनों से कहीं बाहर मैं गया ही नहीं हूँ, खाली मार्केट आने जाना हो रहा था, वो भी गुप्ता जी के साथ। अगर तुम लोगों ने उनके व्लॉग देखे हो तो तुम लोग को पता होगा, ठीक है। बाकी हम लोग खाली मार्केट जाते हैं एंड रोज़ रोज़ मार्केट दिखाना भी, देखो क्या ही दिखाऊंगा तुम लोग को मार्केट में। हम लोग सिर्फ जाते हैं और आते हैं, ठीक है। मेरे पे गोप्रो अभी है नहीं, जब गोप्रो होगा तब मैं सोच रहा हूँ कि रिकॉर्ड करूँगा। बिकॉज गोप्रो में क्या, देखो हेलमेट में लगा ले और रिकॉर्डिंग करते रहे, और फ़ोन में तो भाई फ़ोन को मैं गोप्रो की तरह तो यूज़ कर नहीं सकता, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी कभी गोप्रो लेंगे तो तुम लोग को मैं बताऊंगा ही। फ्यूचर में कभी यूट्यूब पेमेंट आती है मेरी कभी ज़्यादा, या चैनल अगर ज़्यादा अच्छा चलता है तो देखेंगे। बाकी आज मैं फ्रीडम को लेकर जा रहा हूँ पंथनगर, बिकॉज तुम लोग को शायद नहीं पता होगा तो मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ कि उसके ना जो टांग है, मतलब पीछे वाली की राइट या फिर लेफ्ट एक कोई उसकी टांग है लेग, तो वो ना मतलब काफ़ी दिन हो गए उसको लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है। अब पता नहीं, उसको हम लोगों ने छू कर भी देखा तो अगर फ्रैक्चर होता तो भाई वो छूने नहीं देता और वो पैर को नीचे रख ही नहीं पाता। मतलब जब वो एक्साइटेड होता है ना तो फिर तो भाई दोनों उसको कुछ पता ही नहीं होता, फिर दोनों पैर ऐसे नीचे रख के जंप वंप भी आराम से कर लेता है। बट पता नहीं कि उसे मोच लगी है क्या है उसके। हम लोग ने घर पर जो जो इलाज हो सकता था वो भी हम लोग ने करा तो कुछ ऐसा असर हुआ नहीं। बाकी फिर अभी वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है, तो आज मैं और गुप्ता जी उसको पंतनगर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि स्कूटी में उसको ले जाना पड़ेगा। स्कूटी में फिर गुप्ता जी की स्कूटी से ही हम लोग जा रहे हैं। मैं पहले यहाँ से भी जाऊँ गुप्ता जी के घर पे, उनको रिसीव करेंगे मतलब, या फिर देखते हैं उन्हीं की स्कूटी से अगर जाना होगा तो, क्योंकि उनकी स्कूटी थोड़ी सही है, मेरी थोड़ी सी यार देखो ऐसी क्योंकि पुरानी हो गई है, तो देखते हैं। और यहाँ बारिश वारिश काफ़ी तकड़ी हो रही है, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। एंड आज मैं तुम लोग को डेट बताऊँ तो 12 जनवरी कल शायद तुम लोग ये वाला व्लॉग देख रहे होगे 13 तारीख को। और हाँ, एक पार्सल भी आया और उसमें मैंने तुम लोग को एक ग्लासेस, तुम लोग को क्या, मैंने एक ग्लासेस मंगाए हैं एंड वो मेरे को चाहिए थे, मतलब क्योंकि ग्लासेस मेरे पास देखो कोई है नहीं, वैसे मैं कहीं बाहर जाता नहीं हूँ बट कभी जाना हो तो पहनेंगे उसको, तो ग्लासेस मंगाए वो भी आ चुके हैं। मैंने अभी परसों ही ऑर्डर किए थे और आ भी गए, तो वो भी तुम लोग को दिखाऊंगा और फ्रीडम को भी लेके चलते हैं। तो नीचे चलते हैं और मैं तुम लोग को टाइम बताऊँ तो ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं एंड जो हॉस्पिटल वो शायद 2 या 3 बजे तक खुला रहता है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, तो जाने में शायद आधा घंटा हम लोग को लगने वाला है। तो देखते हैं, अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो फिर शायद कल लेकर जाएंगे, बाकी कोशिश तो पूरी कि आज ही जाएँ, ठीक है। तो चलते हैं नीचे, मैं तुम लोग नीचे चल के पार्सल भी दिखाता हूँ और फिर फ्रीडम को लेकर भी चलते हैं। तो फ्रीडम का नाम लिया और ये देखो छत पे आ भी गया नीचे से, मतलब मेरी आवाज़ सुनकर ही जैसे किसी को देखता है छत पे जाता है वो तो आ जाता है। वो देखो इसको, ये देखो तुम लोग अभी देख रहे होगे इसकी, हाँ देखो देखा तो, ये देखो टांग अपनी ये मतलब उठा के रखता है हमेशा, पता नहीं यार ऐसा क्यों इसके, जो भी है चलो इसको भी लेकर भी चलते हैं। तो ये है गाइस, वो इसमें पूरे पैक वैक हो गया है मस्त बिल्कुल, इसका केस बड़ा प्रीमियम सा है। तो सोनी को मैंने बुला लिया यहाँ पे एक अनबॉक्सिंग करने के लिए, वैसे पहले ही मैंने इसका पैकेट फाड़ दिया था बिकॉज मैंने देखना था कि इतने बड़े पार्सल में भाई इतना छोटी सी चीज़ आ रही है, पहले मैं बस कन्फ्यूज होगा कि आया क्या है इसमें। अब तो ये है पार्सल, खोल खोल, डब्बा काफ़ी अलग सा लग रहा है ना, अच्छा वैसा डब्बा होगा ना, ये रबर टाइप थोड़ा, खोले क्या तब वो कर रही, ये क्या मास्क है क्या, नहीं साफ करने के, अच्छा मेरे को लगा मास्क दे दिया इसके, पागल है क्या, कपड़ा आ रखा है, तो खैर हर चश्मे के साथ आता है। तो ये है गाइस वो ग्लासेस जो कि मैंने मंगाए थे, खोल यार जल्दी जल्दी खोल, ये भी निकाल दो, निकाल देना यूज ही तो करने, कहीं वैसे बाहर जाना होता नहीं लेकिन पहन, ये कहीं वैसे बाहर जाना होता नहीं लेकिन अगर होगा तो मैं ये पहन के जाऊंगा जब भी कभी, मैं तुम लोग को लगा के दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसे लग रहे हैं गाइस ग्लासेस, कैसे लग रहे हैं मेरे को कमेंट करके ज़रूर होता ना, मतलब काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, महंगे भी हैं तो बढ़िया तो है यार तो वैसे कहीं बाहर जाना होता नहीं बट होगा तो इसको पहन कर जाएंगे, तुम लोग को ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। और दोनों साइड देखो रिंग लाइट दिख रही है तुम लोग को रिफ्लेक्शन से, बाकी इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो तुम लोग को परचेज करना हो तो जाके कर सकते हो। तो गाइस अब चलते हैं गुप्ता जी घर पर सीधा, ठीक है, तो उनके घर पर ही मिलता हूँ मैं। तो गाइस गुप्ता जी और मैं अब आ चुके हैं मेरे घर पर, अब इसको मैंने चेन से बांध दिया है, बाकी वो इसको बांध दिया ताकि वो बाहर ना निकले, और इस शॉल में हम लोग इसको लपेट के ले जाएंगे। देखो घुर्राना चालू हो जाता है इन दोनों का पहले ही, चल चलो बाहर चलते हैं और अब गए मैं तुम लोग से पंतनगर में मिलता हूँ आराम से, क्योंकि इसको ले जाना बड़ी दिक्कत वाला काम होगा। ये देखो इसको आगे ले जाएंगे बैठा के आगे खड़े होके, तो हम लोग उन्हीं की स्कूटी में आ गए थे बिकॉज मेरी स्कूटी में थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो चलते हैं, चले फिर पंतनगर चलते हैं सब सीधा। तो गए हम लोग पंतनगर तो पहुँच चुके हैं और मुझे लग रहा है कि ऐसा बंद है, तो गुप्ता जी के लंच है 2 बजे तक, तो ये है गाइस पंतनगर हॉस्पिटल, अगर तुम लोग आए हो पंतनगर तुम लोग को पता होगा। तो देखते हैं 2 बजे तक लंच होगा, मैं तुम लोग को टाइम बताऊं तो 1:40 हो गए हैं, तो बस 20 मिनट में वेट करते हैं देन फिर चलेंगे अंदर इसको लेके, और जो भी होता है मैं तुम लोग को आराम से बताता हूँ। 2000 years later, तो वहाँ से तो देखो अपने को टाइम वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लग गया तुम लोग ने, जैसे कि गुप्ता जी का अगर व्लॉग तुम लोग देख रहे हो, पता नहीं वो कल डालेंगे कि कब डालेंगे, मैं तो वैसे कल इसको डाल दूंगा यानी कि 13 तारीख को। और ये देखो गेट की आवाज़ सुनी तो सीधा बाहर जा रहा है ये, ठीक है। बाकी इसको क्या हुआ मैं तुम लोग को बता देता हूँ, तो वहाँ पे देखो पंतनगर में सबसे पहले तो उन्होंने टाइम बहुत ज़्यादा लगाया, इसको खोल दूँ पहले मैं,
तो पंतनगर में टाइम बहुत ज़्यादा लगाया। और सबसे पहली चीज़ डॉक्टर भाई 2 बजे का वहाँ पे, मतलब समझो कि 2 बजे वहाँ पे लंच ब्रेक ओवर हो जाता है और डॉक्टर आए भाई 2:30 बजे के बाद। अब देख रहे हो आधे घंटा बाद है, मतलब पता नहीं क्या करते, टाइम पास से ज़्यादा करते हैं वो लोग। तो बस यही है सरकारी का, तो देखो तुम लोग को पता ही है, तो सरकार पता नहीं क्या करते रहती है, तो उसके टॉपिक अलग है भाई, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। बाकी फ्रीडम के लिए उसने दवाइयाँ दी हैं जो कि मैंने ले ली हैं, तो ये हैं वो दवाइयाँ जो कि उसने दी हैं। एक सिरप है, एक टैबलेट है और एक पता नहीं कुछ मतलब पाउडर टाइप है। उसको उसने बोला है कि डॉक्टर ने बोला है कि गर्म पानी मतलब गुनगुने पानी में उसको डाल के इसकी सिकाई करनी है पैर की, तो उससे शायद सही हो जाएगा, देखते हैं 3-4 दिन या 1 हफ्ता। उसने बोला कि 4 दिन की उसने लिखी थी दवाई, वैसे 4 दिन से ज़्यादा की मैं लेकर आया हूँ, उसने मेडिकल वाले ने इतनी दिया, ठीक है। तो देखते हैं 1 हफ्ता, इसको अगर कुछ होता है फ़र्क पड़ता है तो सही है, अदरवाइज़ तो फिर यार दिखाना ही पड़ेगा, दोबारा एक्सरे वगैरह होगा इसका, फिर जो भी है तुम लोग को दिखाऊंगा। बाकी अभी फिलहाल मैं लाइव स्ट्रीम करने के लिए बैठा हूँ, पीसी वगैरह अपना ऑन करके, तो लाइव स्ट्रीम करते हैं एंड उसके बाद में तुम लोग से आराम से मिलता हूँ जब भी मैं ख़त्म करता हूँ लाइव स्ट्रीम। लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप, इसको देखो सो रहा है आराम से शीरो, और फ्रीडम कहाँ है भाई, ये सो रहा है इधर, यही करते हैं मैं लाइव स्ट्रीम में दोनों जने। तो कहते हैं लाइव स्ट्रीम वगैरह मेरी कंप्लीट हो चुकी है, और इससे मैं तुम लोगों को टाइम बता दूँ 9 बज गए, मतलब मैंने 3-3.5 घंटे लाइव स्ट्रीम कर ली है। बाकी इन्होंने भी खाना खा लिया, बस इनको उबले हुए अंडा नोनी खिला रही है, इन्हें उबाल के रखे होंगे, तो मैं भी जाता हूँ खाना वाना खाता हूँ। और बस इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, आई होप अब तुम लोग को पसंद आया होगा, एंड अगर तुम लोग को पसंद आया तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। बाकी मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, और हो सकता है 2-3 दिन में शायद एक ब्लॉग और आए, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ब्लॉग करते ही हैं, बिकॉज काफ़ी दिन से मैंने ब्लॉगिंग करी भी नहीं है, तो देखते हैं कोशिश करूँगा पूरे ब्लॉग करने की। बाकी मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।